अरे तो घूम के चले जाइए रोड है कि इसमें जो ये NH बन रहा है तो इसके चौड़ीकरण को लेकर लगभग दोनों तरफ काम चल रहा है। तो इसमें PWD का पत्र प्राप्त हुआ था कि कुछ जो 400 मीटर का पैच है वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण शेष है, उसको हटवाया जाना है। उसी के क्रम में आज जो है यहाँ पुलिस बल के साथ वो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। पूर्व में जो है पिछले दो दिन से इसमें अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि स्वतः हटा लें, अन्यथा फिर जो भी नुकसान होगा उसके उत्तरदायी ये स्वयं होंगे। तो काफ़ी लोगों ने हटाया भी है, बाकी जो जर्जर भवन है उनको हटाया जा रहा है। सब जो लोग नहीं हटा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको आज भी कह दिया गया है, वो अभी यहाँ से स्टार्ट किया है, इन लोगों ने खाली कर लिया था। आगे लोग अपने आप स्वतः ही खाली कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि मशीनें यहाँ लग गई हैं तो लोग खाली कर रहे हैं। मुझे लगता है एक दो घंटे में सब लोग खाली कर लेंगे और उसको करा दिया जाएगा खाली। तो ग्रामीण यहाँ के लोगों का विरोध भी नहीं? विरोध नहीं, इसमें जो है इनका यही था कि हमें पूर्व में बताया जाए, समय दिया जाए निकालने के लिए। तो इसी के क्रम में इनको शुक्रवार से जो है समय दिया जा रहा था, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी। काफ़ी लोगों ने हटा भी लिया है, कुछ लोग हटा रहे हैं। जैसे ही हटा लेंगे तो इसको हम क्लियर करा देंगे। इससे क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो रहा है, क्योंकि नैरो स्ट्रेच हो जा रहा है तो बहुत जाम भी यहाँ लगता है। ये क्लियर हो जाएगा तो हाईवे यहाँ क्लियर हो जाएगा, यहाँ के जो बाज़ार में बैठने वाले लोग हैं या आम जनता है उनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। रोड है